आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। जीवन एक दो महीना हो लिया नहीं कोरोना ने मेरे तो रपन दिया फोन आ बिला रे के करया करे मां कुछ नहीं भाई जींद आला के डाल जमा ठल्ली ने बोला माटी फिर जाएगी सब क्या है फर्क बिला के मैं गाना बजाना कर लिया मैं किसने सुनाऊं जमुना जी पे एक स्टूडियो है एक भाटी वकील था उड़े उस स्टूडियो पर ला गया गाउन दो दस पांच लोग बोले ना मेरा यो के ला गया करन तो ओ साल दूसरा है बोल गए यो ओ अष्टापड़े है यो दिन निकाल दे जार गाए जा के मेरा पाटा गलत बाज रहा ठीक हो तो टप्पा जब कंप्यूटर पकड़ लिया मरा अभी नो गलत लागते मैं भाई दादा ने तो साची कह दिए फेरा है ना नवला गुरु जी ई बूस्ट वीडियो आवाज हो रही है उन दौर आएगा ना रियाज करेगा उड़े रोटी विद्या धन और घोड़ा बिगड़े से बिन फेरे इनने घुमाए जागा तो ठीक से नहीं दे रोटी ने नहीं घुमाओगा चल जाएगी विद्या को ब्राह्मण मंत्र पढ़ता हो 10 साल छोड़ दे सारा न भूल जाएगा धन का भी ऐसा ही है एक जगह काट दिया तो और कोई बरतेगा उसने के बाप खरीद ले बेच दे कुडांगर ढोर ले ले प्लॉट ले ले घटता बढ़ता रहेगा इसी प्रकार घोड़ा है बांध आ जाएगा जब बांध दिया था घुमाना अच्छा होता है तो इससे बड़ा फर्क रहा दो चार पांच बात कहां से शेठ ताराचंद बड़ा धार्मिक और दानी आदमी था लेकिन भाई ने गलत शिक्षा दे दी वो धर्म करना छोड़ दिया आखिर में शॉर्ट में बताता हूं इस स्टेज पर आ गया कि 200 रुपये में छोरा कर विदरना पड़ा एक सियाने आदमी बैठे हैं जब आदमी अपनी औलाद न गहने धरते है तो इससे फालतू के है कुछ नहीं और वो 200 रुपये भी जब लेके चलिया मनसा सेठ से रास्ते में हरनंदी थी न्योली आगरती पे लाड़बंद में टांगे आरते वहां न्योली भी खूगी उड़े सेठ पुणे की बात याद कर हरदा का पैटर के 200 रुपये बांध लिए पल्ला बेटा गिरवी धर के भोजन बांध दिया मनसा ने गणी को सामंद करके और कह लक्ष्मी चंद चलिया तारा चंद घूट सबर की वरके ने बोला तो बेटा कर मौत सेठ कर टूटेगा मोदी में तारा चंद ने सौंप दिया सुत मनसा की गोदी में मात पिता जी सेवा करिए जब बोले सोदी में ये कह के भाई न्यू पालिए जो कुंती ने नकुल और सहदेव पाले थे और वह 200 रुपये उड़े खूगे सेठानी दौरे न्यू का न्यू नंग का नंग जा खड़ा होया महाराज ईब क्यों रोए नोला सेठानी वो 200 रुपये भी गए और छोरा भी गया देखिए उस समाज की उस समय की हिम्मत 200 रुपये भी खोया छोरा भी दिया और आज कोई काटड़ा लगाई दे बिना मुझे बेच के देख लो मैं ना बुझी फिर भी नहीं बोली महाराज कोई बात ईब केरा होगा एक महात्मा था एक साधु था नोला भाई राह क्यों होगा उस रास्ते पर चाल जिस पर पहले चला करता धर्म कर्म के रास्ते पर चाल सेठ जी की निगाह हम बात आ गई ये जमुना जी है जो राजघाट है यहां जंगल होता था और ये लाल किला दिल्ली से बाहर था 4 गेट थे दिल्ली में लाहौर गेट कश्मीरी गेट तुर्कमान गेट नई इंडिया गेट अंग्रेजा ने 1911 में बनाया था तो 1911 से पहले राजधानी नहीं थी दिल्ली 6 महीने कलकत्ता रखा करते
और गर्मिया में कश्मीर में ले जाया करते 6 महीने अंग्रेज, वहां से लाकड़ी तोड़ के और ये चांदनी चौक का जो बाजार है नया बाजार, इस बाजार में बेच के गुजारा करते। और उधर से जो लड़का गिरवी रख के आया था वो 12 साल के बाद 18 साल का हो जाता है, मनसा मल मनसा सेठ का जो व्यापार का काम था रुई का, वो जहाज में रुई का व्यापार करने चला जाता है और उसमें 18 रुपये बच गए, लेकिन भाभीया ने लाल अर्जुड़ा मंगाया था वो नहीं मिला, वो मिलता भी नहीं था। सेठ लोग ब्याह शादी में दिया करते, वैसे कोई ले ले खरीद लेते, उनको सोन मान्या करते। उन्हें सोची भाई भाभीया ने चीज मंगाई थी वह नहीं मिली, तेरा के जीना है, वो मरण लग गया। कुए के न चलिया, वहां एक साधु की कुटिया थी, ने बोला भाई बच्चा अरे क्यों मरण लाग रहा है महाराज, न्यून्यू बात है। ने बोला मैं तेरे को एक जतन बताता हूं, यहां राजा धर्ममाल के धर्ममाल की लड़की की शादी है और वहां एक बारात आई हुई है, वहां एक झगड़ा होगा। उन्हें दिखा दिया छोरा और कोई और ब्याहनी भी काने ने चढ़ रही है लठ बात जगह, एक काम कर ले तू उड़े जाके बंदड़ा बन के और उनके बारो ठीर फेरे दो काम करवा दे, बहु नवे ले जाएंगे लाल जूड़ा छना में लो तू ले। उसके दिमाग में बैठ गिर वहां चला जाता है, सेठ लोग भी राजी हो गए, अग भैया तो बहुत बढ़िया काम बनाया छोरे ने और जात बरादरी भी मारी है, बूढ़ा बनिया उसने दुल्हा बना देता है, इस लड़के का ढंग बदल दो, कपड़े नए परा के बंदड़े आला ब्योंत बना दो, सर पे मोड़ धरा के। नवला भाई फिर भी सकता चल जाइए मारे दोनों नया तो साला कल में तोड़ा लाड लड़ा के गेरे, लोहे कागज दिया हाथ में इसके फूल बखेरे, चंद्रमा सा रूप खिला सब छटके घोर दे रे, और ये दो काम तेरे जम्मे से बारो ठिर फेरे, फिर भी सख्त चल जाइए मरे दोनों काम करा के बंदरे आला ब्योंत बना दो, सिर पे मोड़ धरा के। वो दोनों काम करवा के एक बार तो उसने जब छोड़ गया फिर उल्टा ले आया, और धर्ममाल की और चंद्रगुप्त जब चलते हैं जहाज में बैठ के, चलता करा था जहाज झमाझम हो रही पानी पे, आपस में बतलाए, जब टापू पे विश्राम किया, सेठ के लड़के ने सोची रमनसा सेठ तो न्यों कह देगा अग व्यापार में रुपये गणे बच गए और भाई लालच में ब्याह करवा लिया, इज्जत का नाश हो जाएगा। उस समय इज्जत प्यारी थी, आज इज्जत आनी जानी चीज होगी रुपये प्यारे हो रही, रुपये आ जाओ चाहे इज्जत बेच के आ जाओ चाहे किसे बड़ा जाओ, उसको वहीं छोड़ देता है सुती हुई। और भाज आया उधर एक और रुई का जहाज आ गया, वहां दिल्ली के सौदागर थे, उन्होंने देखा धर्ममाल किन के करा लाल से कपड़े ते ब्याली बहु गयो लाल से, ये बाबा जी गयो वो बाल बूल खंडा के राख रमा के बैठ जाती है, वहां उन्होंने देखे भाई बहुत सुथरा साधु, अग महाराज यहां कोई चोर चुका लूट लेगा, हम दिल्ली के आदमी है चलो दिल्ली वहां हमारे साथ। उसकी भी निगाह आ गई और उनके साथ जहाज के में बैठ सेठानी आई दिल्ली में, फ्रेटो होती ना मिला नंद का भाई दिल्ली में, कित मिले था राजघाट पे आके धूनी लाई दिल्ली में, राजघाट पे आके धूनी लगा देती है और उड़े तो सेठ तारा चंद लाकड़ी तोड़ के लिया करता, आना जाना होगा रामा किसनी हुई। एक दिन बाबा जी ने पूछ ली अग जी क्या वर्ण है क्या जात है आपकी आपका के नाम है, जब थोड़ा प्यारा आदमी आना जाना हो गया रोज रामा किसनी होती तो ऐसे
बारह साल बीतते हैं दादा ने बताई, क्यों कर बीते हो बारह साल? जब लाकड़ी लेकर चलता है तो याद आए ना वो जहाज में बैठ कर चला करता, क्या कहा?